अस्सलाम वीवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ घर में पिज़्ज़ा बनाने की बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे 2 चम्मच ऑयल। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन 2 से 3 जवे। इसको करना है मैंने लाइट ब्राउन, थोड़ा सा भून लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन जो कि मैंने छोटे छोटे क्यूब्स बना लिए हैं। तो तब तक फ्राई करना है जब तक ये वाइट ना हो। चिकन जो है वो वाइट हो गया है, इसको हमने हल्का सा भून लिया। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड कर देंगे। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, आधा चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच जो है दही के डाल देंगे। तो इसे मिक्स कर लेते हैं। इसी दही में हमारा चिकन जो है वो गल भी जाएगा, उसका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। दही जो हमने डाला था वो हमारा खुश्क हो गया तकरीबन। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर जो कि मैंने पहले ही स्लाइस काट लिए थे। तो अब मैं इसमें ऐड करके मिक्स कर लूँगी। सब्जियों को ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ही पकाना है। अब हम इसको उतार लेंगे। अब हमने पिज्जा के लिए जो डो बनानी है उसकी डो मैंने पहले से ही बना के रख दी थी। अब हम इसको बेल लेंगे जितना के बड़ा हमें पिज्जा चाहिए। पहले हम हाथ की मदद से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे, फिर हम बेलने से ही इसको बेलेंगे। अब हम इस पे लगा लेते हैं ऑयल। अब हम इस पे रखेंगे हमारी डो जो हमने। अब मैं इस पे लगाऊंगी केचप। अब मैं इस पे डालूंगी जो हमने मिक्सचर रेडी किया था। फैला के रखना है। अब मैं इस पे डालूंगी मोजरेला चीज। अब मैं इस पे लगाऊंगी देसी घी। अगर आपको देसी घी नहीं पसंद तो आप बटर या ऑयल भी लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो। बिल्कुल हल्का सा लगाना है ताकि हमारी डो जो है वो जले ना, उसका कलर भी प्यारा आए। अब हम इस पे रखेंगे तवा, इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना है। अब हम इस पे अपना पैन जो है वो रख के इसको कवर कर देते हैं।